Dear friends, myself Sukhjinder Pal Singh. I'm from Hope Immigration Services. We are registered migration agents based in Blacktown. आज इस वीडियो राही असी 457 वीज़ा जिहड़ियां पिछले साल तो चेंजेस आईयां ने उन्हां दा 457 वीज़ा होल्डर्स ते की प्रभाव पिया, उन्हां दी गां PR वास्ते की चीज़ां दा प्रभाव पै सकदा हैगा, इन्हां ते काफ़ी क्वेश्चन ने जिन्हां दे आसे पासे काफ़ी क्लैरिफिकेशन चाहीदियां ने। स्टूडेंट्स अक्सर इन्हां दे प्रति कुछ ना कुछ उन्हां दे मन च क्वेश्चन रह जाते हैं। असी कुछ 7-8 क्वेश्चनों के अज इस वीडियो राही इनफॉर्मेशन शेयर करांगे जां सवालों के जवाब देने की कोशिश करांगे जिहड़े सानू बहुते पूछे गए ने। तो हैविंग सैड दैट, मैं कह देना चाहूँगा कि ये जिहड़ी इनफॉर्मेशन है जनैरिक इन नेचर हैगी है, तो अपने फ्यूचर प्रति कोई भी डिसीजन लैन तो पहला वी सुजैसट भी तुसी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट नूं कंसल्ट करो। सानू कंसल्ट कर सकते हो होप इमिग्रेशन सर्विस ते। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी क्लाइंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि जे मैं अपना इंप्लॉयर चेंज करना हो मैं कर सकता कि यह मेरे परमानेंट रेजिडेंसी ते प्रभाव पाएगा। तुसी जरूर कर सकते हो, थोड़ा जो नवा इंप्लॉयर है वो SBS अप्रूव्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप की अप्रूव्ड होनी चाहिए है। तो हुण दे रूलां विचों नवीं नॉमीनेशन TSS दे अधीन लाएगा। जे तां तुहाडा वीज़ा हले काफ़ी पिया हैगा सो कोली नॉमीनेशन ही लॉन्च करेंगे, तो थोड़ा नवा वीज़ा की जरूरत नहीं है अंटिल अनलेस इट्स अबाउट टू फिनिश। दूसरा जिहड़ा क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है काफ़ी, जे मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, जे तुसी इंप्लॉयर चेंज नहीं कर रहे ना ही तुसी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा एग्जिस्टिंग इंप्लॉयर नवी नॉमीनेशन TSS दिन ते वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च कर सकता है। सो इहदे विच इफ यू मीट द न्यू रिक्वायरमेंट्स जो TSS वीज़े दियां ने थानूं जां थोड़े फ्यूचर विच इहदा कोई नैगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। यह हैगा जे थोड़ा वीज़ा 457 खत्म हो रहा है, जिहड़ा नवा वीज़ा लगेगा दैट वुड बी 482। इंप्लॉयर एग्जिस्टिंग है, इंप्लॉयर चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ वीज़ा एक्सपायर हो रहा सीगा, उहदे विच उसे इंप्लॉयर ने थोड़ी नवी नॉमीनेशन लॉन्च की थी ते नाल थोड़ी नवी वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च कराई। एक क्वेश्चन आ रहा बार बार, जे मैं अपनी ऑक्यूपेशन चेंज करनी हो, ऑक्यूपेशन चेंज करनी होवे विच वुड नीड अ न्यू नॉमीनेशन, ते वो जिहड़ी नॉमीनेशन है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट जिहड़ी अज हैगी है 482 वीज़ा वास्ते उहदे ते होनी जरूरी है। अगर उस लिस्ट ते नवी TSS लिस्ट जिहड़ी है, नवी 482 वीज़े दी लिस्ट है, उहदे च ऑक्यूपेशन नहीं है जिहदा तुसीं चेंज करना चाहुंदे हो तां तुसीं नहीं कर सकते। सो अगे 3-4 क्वेश्चन ने कि मेरी एलिजिबिलिटी ते जिहड़ी ट्रांजिशनल प्रोविजनस ने कि मैं 457 वीज़े का होल्डर हाँ, तो मेरी ENS जिहड़ी 186 है परमानेंट रेजिडेंसी सिंपल भाषा च उत्ते की इंपैक्ट होएगा। ये काफ़ी हद तक क्लीयर है बट फिर भी अज असीं नूं रीफ्रेस करके दोबारा तुहाडे अगे रख रहा है। जे तुसी 18 अप्रैल 2017 नूं 457 वीज़ा होल्डर सीगे, उस दिन तुहाडे कोल 457 वीज़ा सीगा, जां तुसी 457 वीज़े दी एप्लीकेशन लॉन्च कीती हुई सी, सो यू वर होल्डर ऑफ 457 और यू हैड अप्लाइड फॉर 457 प्रायर टू 18 अप्रैल 2017। जे कोई नवी तुसी वीज़ा वधा भी लैंदे हो, ऑक्यूपेशन चेंज नहीं करते, इंप्लॉयर चेंज नहीं करते, तो थोड़ी परमानेंट रेजिडेंसी से इहदा कोई फर्क नहीं पेगा, सबजैक्ट टू यू मीट द न्यू लैजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स। उहदे विच IELTS 6 ईच जिहड़ी है वो तुहानूं सारिआं ते ही हुण इफेक्टिव होएगी उस दिन तो बाद,
ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਂਚ ਹੋਈ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਆਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਉਸੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਵਿਲ ਬੀਂਗ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਏ ਨਿਊ 482 ਔਰ TSS ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਲ ਇਟ ਅਫੈਕਟ ਮਾਈ TRT ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੀ PR ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ, ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ TSS ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ PR ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਆ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਇਫ ਆਈ ਚੇਂਜ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵਿਲ ਦਿਸ ਅਫੈਕਟ ਮਾਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਫੋਰ PR ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਫ ਯੂ ਚੇਂਜ ਦ ਇੰਪਲੋਇਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਐਂਟੀਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਓਨਰ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਯੂ ਟੂ ਹੈਵ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੂਸਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੁਡ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ABN ਦੈਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਇੰਪੈਕਟ। ਸਮਟਾਈਮ ABN ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ABN ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਨਵੀਂ SBS ਲੌਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ TSS ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਟਿਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫੋਰ TRT ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 160 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈ ਇੱਥੇ 457 ਵਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਆ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ admin@hopemigration.com.au ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੋਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਵੀ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।